मशहूर गुलशन ढाबा। भाई यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आती, किस रोड में आती है? पर बंद कर रखी है। बस शाम हो गई है और यहाँ पे भी अभी भी इतनी भीड़ है जितनी भीड़ आपको दिख रही है। नाइस, इतनी भीड़, मतलब यहाँ पे एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि यहाँ भीड़ नहीं होती। यहाँ हर दिन इतनी ही भीड़ होती है गाइस। यहाँ पे हर दिन ऐसे ही शोर शराबा, ऐसे ही राधे राधे, और बहुत अच्छा लगता है गाइस। वाह, देखा आगे चलो 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 ऐसा रहा है। मैच वहाँ जा रहे हैं, मैच जा रहे हैं, मैच देख रहे स्टेडियम में। चोरी रहते हैं, चेक करो। अरे सब फोटो दे रहे हैं भाई।
गाइस गुड मॉर्निंग। अभी फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मोरतल का मशहूर गुलशन ढाबा। सो गाइस अभी हम गुलशन ढाबा पहुंच चुके हैं, तो अभी यहां से अभी हम देखेंगे, यहां पे बैठ चुके हैं अभी खाना खाने के लिए। और अभी हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट हो रहा है, तो सुबह का ब्रेकफास्ट होने के बाद हम यहां से निकलेंगे। अपना एक मंदिर है, पता नहीं वो जो अपना दोस्त है प्राशु, वो कह रहा था कि मंदिर जो है वो मंदिर यहां से एक घंटे का रास्ता है, तो वहां से हम जाएंगे। तो अभी वहां घूम फिर के, तो यहां से भी एक घंटे का रास्ता है, यहां से हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलेंगे यहां सीधा। तो गाइस मैं अभी हम कल सुबह जब आए, तो सॉरी रात को हम जब आए, रात को हमने फिर अपना खाना वाना खाया रात 12-1 बजे के आसपास। फिर खाना आने के बाद हम सुबह, हम रात को हम सो गए थे, रात को सोने के बाद हम सीधा यहाँ पहुँचे। तो अभी हमें सुबह का अभी हम यही दिखा हुआ है। तो अभी जो खाने में इन्होंने क्या ऑर्डर करा है, तो अभी खाना पीना हम खाएंगे, इसके बाद हम निकलेंगे सीधा यहाँ से। और यहाँ पे काफ़ी लोग भी आ रखे हैं। भाई क्या मंगाया खाने में, खाने में क्या मंगाया? वेज उत्पम आलू प्याज का पराठा। दोबारा बोल। वेज उत्पम आलू प्याज का पराठा। ओके तो क्या खाया ये बता, क्या खाना है भाई? क्या खाना है बता? पूरी भाजी हमने बोल दिया अपना, पूरी भाजी नहीं, इतना हेवी नहीं खाएगा। मैं भी वो खा लूंगा, उत्तम खा लूंगा। मैं जैन शिकंजी लूंगी, तो ठंडा मीठा अच्छा खाने का पीने का मन कर रहा है। बाहर गाइस बहुत धूप है घर, तो यहाँ छाया पर फैन लगा हुआ मस्त एकदम। तो अभी यहाँ पे खाना और चल रहा है अपना ब्रेकफास्ट, फिर ब्रेकफास्ट करके देख लेंगे। अभी ऑलमोस्ट यहाँ से एक घंटा लगेगा मुझे भी हो जाएगा। भाई कौन सी जगह जा रहे हैं, मंदिर कौन? बरसाना या बरसाना? बरसाना। तो अभी जा रहे हैं बरसाना मंदिर, तो यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, तो यहाँ से निकलेंगे। रेडी हो गए, देखो गाइस, तो यहाँ से निकलेंगे और 1 घंटा लगेगा यहाँ से हमें। तो धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे, कल का मौसम काफ़ी अच्छा था, तो यहाँ पे भी धूप ज़्यादा हो गई है। कोई नहीं, तो आज हमारा चेकआउट इस तरीके से हो चुका है वहाँ से। तो वहाँ से निकलने के बाद उससे निकलेंगे दिल्ली की तरफ, अपने मतलब अपने घर नोएडा। तो फिर वहाँ से मेरे भाई लोग चले जाएंगे हमें छोड़ के मुरादाबाद, और इसके बाद ट्रिप ओवर। तो हमारा अभी ट्रिप बना रहेगा, ठीक है? तो आपको दिखाते हैं अभी वो कैसा टेम्पल है, कह रहे हैं बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो 1 घंटे का रास्ता वो कवर करेंगे अभी हम, और 40 मिनट में, 40 मिनट में कवर करने के बाद आप पहुँचेंगे उधर, 1-2 घंटा रुकेंगे, फिर वहाँ से हम निकल जाएंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं अब खाने में क्या आता है, देखते हैं खाना कैसा है यहाँ का। हम तो अंदर बैठे नहीं, अंदर मैगी नहीं खाऊंगा, वो नहीं है, उत्तम नहीं है, बस वही खा लूंगा। चल ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने मंगाया भी पराठे फेमस हैं, तो आलू का पराठा मंगा देना। पहले प्राशु पहले एक खा लेते हैं आलू का पराठा, एक एक मंगाते हैं, अच्छा लगेगा तो एक बार मंगा लेंगे। तो तू वहाँ क्यों बैठ गया, पराठे वाले यहाँ बैठते साथ में खाते, तू वहाँ बैठा थे मैं ब्लॉग इन कर रही हूँ। तो वैसे कैमरा पकड़ रखा है प्रियंका ने, प्रियंका की कुछ वर्ड सुनो, प्रियंका कैसे करेंगे स्टार्ट, प्रियंका स्टार्ट करियो, क्या क्या बोलेगी, स्टार्ट कैसे करेंगे पहले बता। वेलकम टू जीएसएम व्लॉग्स। जीएसएम व्लॉग्स चेंज हो चुका है अब, कितने नाम बदलेगा तू? द UK02 जीएसएम व्लॉग्स अब ये है। और क्यों है पता है, इसका रीजन भी है यूके, पता है उत्तराखंड 02 मेरे वहाँ का नंबर है, बागेश्वर का, जहाँ मैं रहता हूँ। और जी एस एम ब्लॉग्स बहुत ही मेरा, उसमें प्रियंका का नाम नहीं है, घटिया कैसे बोल रही, कैसे पकड़ रही ब्लॉगिंग करूँगी मैं। तो इसका जब भी चैनल खुलेगा ना, जब भी चैनल खुलेगा इसको सब्सक्राइबिंग मत करना, मैं खोलूँगी नहीं। जब ना भगवान देता है ना छप्पड़ फाड़ के देता है, तब खुलते हैं यूट्यूब चैनल। चल हट तू, मैं औरों को दिखा देती हूँ। ये हाथ ही गिम्बल होता है यार, ये हाथ गिम्बल होता है, ऐसे पकड़ने का तरीका होता है।
ऐसे हाँ, ये गिम्बल है एक तरीके से, ऐसे घुमाने का ये कंफर्टेबल नहीं है वो करना, क्योंकि गलने वाला होना शुरू होगा। हाथ लंबा है ना, मतलब मेरे मेरे भी है लंबे, तो मैं स्ट्रेचिंग। आज मम्मी देखो, और प्रियंका ने यहाँ पे पहन रखी है चूड़ी, चूड़ी दिखा दे मम्मी को, मम्मी चूड़ी पहन के खुश हो जाती हैं। और बिंदी, और बिंदी लगा रखी है इस पर, ये देखो ये रही बिंदी, लाए बिंदी ये रही। तो ये लोग तो सुबह उठ गए थे अपना, और हमारे सो रखा था दबा के, क्योंकि कल 12-1 बजे हम सोए थे रात को, उनको नींद बहुत आ रही थी, क्योंकि ड्राइविंग हो रही थी, उस तक सो गया मैं। और ये तीनों सो रखे थे एकदम लाश नहीं होती लाश एकदम ऐसे करके, ये तीनों मैं सो रखे थे सिंधु लाश देना। तो कल नींद पूरी हो गई और अपना मस्त अभी निकलेंगे। तो देखते खाने में भी कैसा खाना है इनका, पहले तो एक एक मंगाया पराठे, अच्छा लगेगा तो और मंगाएंगे। मेरे को तो भूख भी नहीं है वैसे भी, बट टेस्ट कर लेते हैं कैसा है, भूख का ही खा रहे हैं। चलो गाइस देखते हैं खाना कैसा आता है, टेस्ट कैसा होता है।